बड़ी खबर, जेडीयू के ने नीतीश के कांग्रेस पर हमले पर जांच कराए। जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी ने आज तक से बातचीत में कहा कि हम विचारधारा से समझौता नहीं करते और अलग कोई सवाल उठाएगा, अगर कोई सवाल उठाएगा तो उसे जवाब मिलेगा। उन्होंने सहयोगी को सख्त अंदाज में कहा कि कोई भी सहयोगी हल्की फुल्की बातें ना करे। माननीय कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है, बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जेडीयू नेता केसी त्यागी जी। केसी त्यागी जी, क्या हो रहा है जेडीयू को, क्या बीजेपी की तरफ जा रही है क्या, और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है, एकदम पिछले को नहीं है, गलत फहमी ना पाले कांग्रेस ने। वो कमरे के अंदर की बातचीत थी जो हर पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को या राज्य समिति के सदस्यों को संबोधित भी करती है और आइडियोलॉजिकल पुट भी देती है, और कमरे के अंदर सभी अपनी पार्टी के नेतृत्व को, विचारधारा को सुप्रीम मानते हैं, ये उसी का हिस्सा था। और इसके बाहर आने पर बेवजह कंट्रोवर्सी पैदा हुई। कांग्रेस से नाराज क्यों है नीतीश कुमार और आप? नहीं, हम नाराज नहीं है, हम चाहते हैं गठबंधन की उम्र लंबी हो और नीतीश जी को इंसल्ट भी ना किया जाए, उनके बारे में डिस इंफॉर्मेशन कैंपेन भी ना चलाया जाए। नहीं, वो जब वो हमारे पर वैचारिक वैक्यूम होने का आरोप लगाते हैं तो हमारे पास भी काफी दस्तावेज है, आगे भी जारी रहेंगे, ऐसे दस्तावेज निकालेंगे। नहीं, मुझे नहीं लगता कि इस सफाइयत के बाद कांग्रेस पार्टी नए तरीके से कोई प्रहार हम पर करेगी। मतलब ये जवाब दिया आपने कांग्रेस के प्रहार का, ये आवश्यक था। क्यों? हमें वैचारिक तौर पर अपनी प्रतिबद्धता के साथ किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज कबूल नहीं, चाहे आपके सहयोगी आप पे हमला करें, सवाल उठाए। नहीं, सहयोगी क्यों हमला करें, क्या क्या गड़बड़ हुआ है जिस पर हमला करें? अपनी श्रेष्ठता कायम करने के लिए कोई दल या व्यक्ति अगर हम पर प्रहार करे तो उसका उचित जवाब पाने के लिए भी वो तैयार है, और ऐसे जवाब आगे भी दिया जाएगा अगर ऐसी चीजें आएंगी सामने। मुझे नहीं लगता है कि इस प्रकरण के बाद ये अध्याय हम समाप्त मान के चलते हैं, और उम्मीद करते हैं कि गठबंधन का कोई भी नेता किसी भी नेता के बारे में कोई हल्की फुल्की बातें नहीं करे। धन्यवाद। कैमरामैन अश्विनी के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक।